नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लिए जा रहे साक्षात्कारों की श्रृंखला में जिनका नाम हमने दिया है आपकी मेरी बात, आज इस श्रृंखला में आपसे मुखातिब होंगे आबिद हुसैन नियाजी साहब। नियाजी साहब अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में ऐसे ही रहे जैसे कि आम आदमी रहता है, लेकिन क्या ऐसी खुसूसियात पैदा की इन्होंने अपनी जिंदगी में जो कारण बन गया कि नियाजी साहब को आपसे मुखातिब कराने के लिए हम भी बाध्य हो गए। तो आपका स्वागत है नियाजी साहब। नमस्कार, आदाब। मसला यह है कि यूँ तो इस टॉक शहर में उर्दू अदब के लिए कोई प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी, लेकिन प्रश्न यह है कि उसको आवाज़ भी देना और आवाज़ ही नहीं देना, उस अपनी आवाज़ के साथ उन कलाम्स को पेश करना जो आम लोगों के साथ ज़्यादा वावस्ता नहीं होते। कारण यह कि उनमें सूफिज्म का रंग है, इबादत का रंग है। तो मैंने काफ़ी टाइम से आबिद साहब के बारे में सुना है, कुछ कुछ देखा भी है इनको। तो आपसे पहला सवाल है आबिद साहब के उम्र के किस पड़ाव से आप में ये समझ आनी शुरू हो गई कि सूफिज्म भी गायकी में एक रंग है, सूफिज्म भी एक इबादत का तरीका है, एक विधा है, और कैसे इसने आपको मोहित कर लिया है या आप इस पर फिदा हो गए और आप इस रंग में धीरे धीरे रंगने लगे जी? तो शुरुआत के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी कैसे, जब परिचित भी ना हो किसी बात से लेकिन उसका आशना हो जाए। तो बात यह है कि आप थोड़ा सा ऐसा बताएं कि आपने किस उम्र से ये सब आपको अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे आपने इस पर समझ पैदा की, फिर धीरे धीरे सलाहियत आने लगी, आपको क्या अच्छाइयाँ लगी इसमें, थोड़ा सा बताएं। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जी, कि मेरी 8 या 10 साल की उम्र थी जी। मेरे एक चचा हुआ करते थे, अंकल कहते थे उनको, उनकी इत्र की दुकान थी, मैं वहाँ बैठा करता था। उनके यहाँ महीने में 17 तारीख 17वीं हुआ करती थी, चांद की तारीख 17, ठीक है, और हजरत महबूब इलाही की फातिहा हुआ करती थी उनके। अच्छा, और हमेशा से उनके मेरे ख्याल से 40-50 साल से चल रही थी। जब मैं वहाँ जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि आज 17 तारीख है, तो वो अपने बराबर वालों से कह रहे थे भाई शाम को आना, और कव्वाली भी है। तो मैं इतना मुझे शऊर नहीं था, इतनी समझ भी नहीं थी कि कव्वाली क्या होती, ठीक है। तो मैं शाम को मैं भी चला गया। जब वो फातिहा हो गई और वहाँ जो प्रसाद था वो बट गया, उसके बाद में वो कव्वाल लोग बैठे, उनमें उस जमाने में टोंक के मशहूर कव्वाल हुआ करते थे जिन्होंने पूरे भारत में अपना नाम कमाया था और टोंक का नाम किया था। क्या बता सकते हैं? उस्ताद बुंदू खां अच्छा कव्वाल थे जी, और उनके एक भाई थे मोहम्मद दीन साहब, एक भाई थे उनके शकूर अहमद, ठीक, एक उनके मामू थे जो सारंगी पर बैठा करते थे, मोहम्मद हुसैन उनका नाम था, ठीक, और बाकी उनके साथी थे जो उनके करीबी रिश्तेदार, ठीक। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कव्वाली को समझा, और वो कव्वाली नहीं थे बल्कि एक सूफी भी थे, और फिलवली शायर भी थे। अच्छा अच्छा। उनमें अकेले में ऐसी सलाहियतें थी कि वो बहुत अच्छी शायरी हाथों हाथ भी कर लिया करते थे। हाँ। कई मुकाबले में जैसे किसी दूसरी पार्टी वालों ने एक अच्छा ऐसा शेर पढ़ा जिस पे लोगों ने हजारों लोगों के मजमे में उनकी दाद दी, और उन तो जिसने अजगुना उसको रखा था उस प्रोग्राम को, उसने कहा कि भाई ये तो आज तुम्हारा टोंक का नाम पड़ जाएगा, तो बहुत अच्छा पढ़ा इसने। तो उन्होंने कहा ऊपर वाले को याद रखो,
और मैं अपनी कोशिश करता हूँ टोंक का नाम डूबने में। ठीक, उन्होंने 5 मिनट का वक्फा लेके और बाहर गए और उन्होंने 3 लाइनें लिख करके, और जब उसको गाने बैठे वो, तो उनकी गायिके का तो खैर कोई जवाब ही नहीं था। अगर वो बुंदू भाई का वो जिस वक्त नगमा बजाते थे ना, तो सूफी बेहोश हो जाते थे, मुंह रगड़ने लगते थे, मतलब ये कि अपने बस में नहीं रहते थे। ठीक, उनको ऐसी रिक्कत आती थी कि पटला हो जाता था, बिल्कुल खामोशी छा जाती थी, ऐसे थे। तो मैंने उस दौर में, उस अपनी कम सीने की उम्र में उन महफिलों को देखा और सुना, तो मुझे कुछ शौक लगा और शौक पैदा हुआ कि यार ये भी है, रंग है, फन है। तो हम धीरे धीरे हर महीने जाने लगे उसके अंदर, ठीक, जब भी होती थी। उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया, बूढ़े हो गए, चले गए, दूसरे उनके पार्टी आ गई, तो मेरा शौक यूँ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक, अब शौक बढ़ते बढ़ते मेरी उम्र भी बढ़ती गई और मुझे कुछ और गजलें सुनने का शौक हो गया। तो मैंने हिंदुस्तान के और पूरे पाकिस्तान के जितने भी अच्छे कलाकार थे, मेहंदी हसन खान साहब थे और गुलाम अली साहब थे, है जो अभी मौजूद हैं, हयात हैं, ऐसे बहुत से कलाकार थे, उनको मैंने सुनना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनकी गजलें याद करना शुरू कर। ठीक, उस टोंक के शायर भी थे, उनकी गजलें भी मेरे पास आने लगी और मैंने सुनने लगा, मुझे शौक पैदा हो गया। इस तरह से मेरा शौक इस सूफी कलाम को सुनते सुनते मेरा शौक बढ़ गया। ठीक, ये आपके सवाल का जवाब। नहीं, आपका कहना ठीक है, बात अभी वहाँ की वहीं है नियाजी साहब के, शौक तो बढ़ा जी, लेकिन उसको समझने की शुरुआत कहाँ से हुई? उसको समझने की शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों, जब तक समझेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, लुत्फ नहीं आएगा, फिर तो शौक कैसे पैदा हो? उसके बाद में शौक आगे यूँ बढ़ा, ऐसे बढ़ा कि हमारे यहाँ बुजुर्ग कलाकार हैं उस्ताद फयाज हुसैन खान रागी जी, जी, जी। उनके संपर्क में, वो अभी हयात हैं, जीवित हैं, वो उनके संपर्क में रहे, हम उनके साथ उठना बैठना रहा, कुछ गुण हमने उनसे सीखे। ठीक है, और वो मेरे गुरु की तरह हैं और गुरु ही हैं वो। ठीक है, अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 90-95 के लिए बाहर नहीं आ सकते, वो बाहर घर में रहते हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे कुछ सीखा और फिर मैंने अपनी प्रस्तुति या जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता था तो मुझे एक दो गाने गज़ल गाने का मौका मिलता था। ठीक, लोग मुझे पसंद करते थे तो मैं वहाँ गज़ल पढ़ लिया करता था। ये मेरी शुरुआत यहाँ से हुई। नहीं तो जो देखिए प्रबुद्ध पाठक हमारे साथ हैं, श्रोता हमारे साथ हैं, तो थोड़ा सा उनको ये भी आप कहें जी कि इस रंग में जिसे आप सूफीज़्म कहते हैं, सूफियों का रंग कहते हैं, इसमें किस तरह के कलाम होते हैं या किस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि अलग अलग फिरके भी हैं जी इबादत के उससे एहतराम से भी, जैसे आपके सुना है मैंने, आप बता सकूंगे ज़्यादा अच्छा जी जी, जैसे आपके ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, निज़ामुद्दीन औलिया साहब हैं और भी ऐसे हैं, तो इनके बारे में विशेष रूप से क्या बातें कही जाती हैं या इनके सुंदरता का वर्णन होता है या इनकी तारीफ में कहा जाता है या इनकी जीवनी के बारे में कहा जाता जी है, क्या होता है इसमें? उसमें यह होता है कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं और उनकी तारीफ में जो शायरों ने लिखा है जी, उसमें सबसे पहले है हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। ठीक, जो कि दिल्ली में वो आप उनके पीर थे और वो उनके मुरीद थे। ठीक है, तो उनके बारे में आपने अपने पीर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह। ठीक, तो ये तो दिल्ली का वाकया है। ठीक है, जो अमीर खुसरो ने अपने ज़िंदगी में उनके लिए बहुत कुछ लिखा है, किताबें भरी पड़ी हैं उनकी, तमाम ब्याजें भरी पड़ी हैं और फारसी ज़्यादा लिखी है, फारसी खुसरो सर, उर्दू, फारसी उर्दू और उसके अंदर मिली जुली हिंदी। ठीक है, ये तीनों भाषाएं मिला के उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उसके अलावा जो इस सूफीज़्म के अंदर जो कलाम लिखा जाता है और जो पढ़ा जाता है उसमें सबसे पहले आती है नाते पाक। अच्छा, नाते पाक आती है, जो नाते पाक पहले पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले कोई प्रोग्राम शुरू होता है ऐसा, तो क्या सबसे पहले क्या सबसे पहले नाते पाक पढ़ी जाती है। अच्छा, और उससे पहले कुछ अल्फाज वो पढ़े जाते हैं कि जो रुबाई जिसको कहते हैं। अच्छा, रुबाई
वो रुबाई जो है वो इस तरह की होती है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है इरशाद। कभी तो मेरी किस्मत खुलेगी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। अच्छा। दरे नबी पर पड़े ही रहना, दरे नबी पर पड़े ही रहना, पड़े ही रहने से काम होगा। ये इस तरह की रुबाई है। तो ये नाते पास की शान में है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है। अच्छा। लेकिन आपके रोज़ा मुबारक पर हज़रत अमीर खुसरो ने इस तरह के कलाम लिखे हैं। अच्छा। और महबूब इलाही के बारे में अपने पीर के लिए, आप उनको खुश करने के लिए उनकी उनकी ज़िंदगी में उनके सामने ये इस तरह के कलाम पढ़ा करते थे। उसमें फ़ारसी होती थी ज़्यादातर, वो दौर फारसी का था, और अभी जो है वो हिंदी उर्दू का दौर है। तो इसके पहले मैं जो एक वो है नात पाक से पहले हम्द है, हम्द अल्लाह की तारीफ में पढ़ी जाती है। अच्छा। और लिखी जाती है। तो पहले ये नात पाक से पहले हम्द पढ़ी जाती है, उसके बाद में नात पाक पढ़ी जाती है, उसके बाद में फिर किसी बुजुर्ग के बारे में कोई कलाम पढ़ा जाता है। ये एक तरीका है इसका सूफी। ठीक है, सूफी। तो आपके हिसाब से पहले हम्द, पहले हम्द, फिर नात, तो कौल भी तो होता है। कौल अलग है, वो हज़रत अली के बारे में है। अच्छा, वो अलग है। वो अलग है। अच्छा। वो हज़रत अली से जुड़ा हुआ है। अच्छा। कौल जो पढ़ा जाता है हज़रत अली के बारे में है, और उनकी तारीफ में बयान किया जाती है। अच्छा, तो थोड़ा सा तो मैं सिर्फ पहले तो हम्द ये हम्द के बारे में बता दूँ आपको, ईश्वर के बारे में, जो अल्लाह है जिसको ईश्वर भी कहते हैं, गौर भी कहते हैं, बिल्कुल सही। उस उनकी तारीफ के लिए लिखा है, बड़ाई तुझको जेबा है इलाही, जात है तेरी, बड़ाई तुझको जेबा है इलाही, जात है तेरी, तू ही है रब्बे यल आला के आली, जात है तेरी, बड़ाई तुझको जे मुझे रुसवा न करना, वास्ता तुझको मोहम्मद का, गुनाहगारों का पर्दा रखने वाली के बाद में नात पाक का नंबर आता है। जी जी, वो नात के कुछ शेर पढ़ के आपको आपकी खिदमत में, हमारे सामाई की खिदमत में जी पेश कर रहा हूँ। वाह। हुजूर सा कोई इंतजार हो हो
समझना मुझे लगता है कि अगर वाकई हमें आपस की सारी बातें भुलानी हैं जी, जो रुकावटें हैं एक दूसरे के करीब आने में, तो सूफी उसने समझना भी बेशक। हाँ, इसके बाद आप जिक्र कर रहे थे कि पहले हम फिर नाश शरीफ जी, उसके बाद में बुजुर्गों का कलाम होता है। अच्छा, और बहुत अच्छा अच्छा कलाम बुजुर्गों ने लिखा है अपने। मैं एक दो लाइन उसकी भी सुना देता हूँ आपको। ये तो लिखा है उन्होंने, बुजुर्गों का कलाम ही है। वो ही वो है, इस तरह दूर है के दूर नहीं, इस तरह दूर है के दूर नहीं, वही वो घर जला
दिल है बंदा नवाज तू नहीं, दिल है बंदा नवाज तू नहीं, वही वो है मगर ज़हूर नहीं। इस तरह दूर ये अपने पीर के लिए, उसने अपने गुरु के लिए उनका एक तोहफा था जो उनकी तारीफ में उन्होंने लिखा, ये उन बुजुर्गों का कलाम है। ठीक, और भी इसके अलावा मुख्तलिफ कलाम बहुत सारे हैं सुनाने के लिए, अगर वक्त हो तो आदमी फिर कभी देखता है। एक बात और जी फरमाइए, मैं भी सीख लूँगा। बड़ा जिक्र है रंग का, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये अमीर हजरत अमीर खुसरो ने रहमतुल्लाह अलैह ने जब वहाँ होली का दिन आया करता था, अच्छा, जो वहाँ बाकायदा होली खेली जाती थी, अच्छा, जब बसंत आया करती थी, होली की नई जानकारी ये किताबों में है सर, तारीख में जी, कि जब वहाँ बसंत का दिन वक्त आता था, महीना आता था, तो उस बसंत पंचमी के आसपास कोई दिन तारीख, कोई 17 तारीख होती थी वहाँ, अच्छा, और वहाँ पर रंग पढ़ा जाता था, अच्छा, और हजरत अमीर खुसरो ने वो रंग लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ थोड़ी सी दो चार लाइन जो आप ठीक समझे। हाँ, मुझे जो मुझे पता है वो मैं पेश कर देता हूँ जी। डोली चढ़ी रसूल की, धन धन पायो धन, आजा निजामुद्दीन को अरे किया है मन, आज ऐसो रंग देखूं मेरी सकीरी, आज ऐसो रंग नहीं देखी सकीरी मैंने, मोर रंग मोहे पायो निजामुद्दीन होलिया, मोहे रंग पायो निजामुद्दीन होलिया, निजामुद्दीन होलिया अलाउद्दीन होलिया, निजामुद्दीन होलिया निजामुद्दीन होलिया, मैनू ऐसो रंग और नहीं पायो निजामुद्दीन, ऐसो रंग और नहीं पायो जी। ये वहाँ होली हुआ करती थी। अच्छा, इसमें बहुत सारे शेर हैं जो मैं मुख्तसर आपको मतला इसका पेश किया मैंने, ये बहुत तवील है, बड़ी है, इसके बारे में ये बताया मैंने आपको, सामने को पता लगे कि भाई ये निजामुद्दीन साहब है, हमेशा से वहाँ होली का रंग रहा है, आपका तो मुझे पता नहीं कि वहाँ क्या रंग है, क्योंकि एक अरसा दराज हो गया वहाँ गए हुए जी जी। तो इस सूफी जैसे ही आपने बताई, जानकारी दी कि वहाँ होली मनाई जाती थी, तो रंग का जो अपना मनोज्ञान है, या उसे कह सकते हैं कि रंग का अपना एक प्रभाव है जी, जो हमारी जिंदगी पर हमारी सोच पर पड़ता है, इसको खुसरो साहब ने, मिर्जा बिन नूरिया साहब ने, खुसरो साहब ने खास तौर से उनके बारे में लिखा और उनकी तारीफ में, लेकिन उसको उन्होंने कितनी शिद्दत से महसूस किया। तो इसमें आसान बात नहीं है, क्योंकि ये आज का जो जमाना है बड़ा अजीब तरह का चल रहा है, तो ज़्यादा सांप्रदायिक हो गए हैं ना बहुत हालात, लेकिन पहले जैसे नहीं, लेकिन इन चीज़ों को देख के, पढ़ के, समझ के हम ये बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है जी। तो न्यायी साहब, आपने ये जो बहुत कीमती बातें बताई, आपने कुछ इन रचनाओं के बारे में जानकारियाँ दी, तो बात वहाँ आती है कि ये तो अपनी जगह एक फन है जिससे आप भी वावस्ता हुए और आपको भी शौक लगा, लेकिन ये इसके अलावा भी जिसे आप जिसे कह रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक है जी, गजल क्या लाइट म्यूजिक है और दूसरी गजल की जो मयार है अपना, जो यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जी, उससे संबंधित कुछ बात बताएं अपने कि आपका रुझान कैसे रहा और उसमें भी कोई दखल है आपका। इसमें रुझान ये रहा गज़ल के अंदर, तो ये बड़े बड़े जो सिंगर
और जो उस्ताद लोग थे गाने वाले जी, जो कि गजल गायक थे, जगजीत सिंह थे, मरहूम जगजीत सिंह जी, उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। अच्छा। क्योंकि मैं अक्सर उनको ज़्यादा सुनता था। फिर उसके बाद मैं उस्ताद मेहंदी अली खान साहब को, मेहदी हसन साहब को सुना, गुलाम अली साहब को सुना, और उनको सुनते रहे और आज भी सुनते हैं उनको। तो उससे मुझे शौक बढ़ा, तो मैंने अक्सर प्रोग्राम में कोई कहीं फंक्शन होता था तो मैं वहाँ गजल पढ़ लिया करता था। बुलाया जाता है, बुलाया जाता था मुझे मजबूर भी किया जाता था कि भाई एक दो चार शेर ही पढ़ लो, एक गजल ही पढ़ लो। तो मैं वो गजल का जो मुझे शौक लग गया, तो मैं अक्सर प्रोग्रामों में जाया करता था। और वहाँ हमने दो चार पांच आदमियों की टोली थी हमारी। अच्छा, तो किसी खास अपने परिचित के यहाँ बहुत करीबी होता था, तो वो हमें कह के जाया करता था कि हमें प्रोग्राम रखना है और आप लोग आ जाइए, ठीक है, तो घंटे दो घंटे अपन बैठ के और एंजॉय करेंगे और कुछ अच्छे गजल सुनेंगे, अच्छे कलाम सुनेंगे, उससे आप भी शराबोर होंगे, हमें भी मज़ा आएगा। तो हम लोग पांच सात आदमी थे, हम चले जाया करते। तो बाकायदा इसको हमने बाकायदा इस प्रोग्राम को करा। और इस गजल और उसके अंदर रंग कई तरह के होते थे। देखिए, गजल के अलावा हमें राजस्थानी गीत जी, हमारी मारवाड़ी गीत, उसके अंदर पंजाबी सॉन्ग, ठीक, गजल के अलावा ये उसके अंदर हमें सभी एक एक दो दो आदमी सबको एक एक दो कुछ ना कुछ रंग में उसको वो कला होती थी उसके अंदर, और वहाँ प्रस्तुति देते थे और देते थे। तो इन महफिलों में जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि महफिल है और सारे महफिल संजीदगी के नाम पर चढ़ जाए जी, तो थोड़ा सा हंसना बोलना या मजाहिया जो खेल है, रंग है अपना एक, वो भी ऐसा कहीं जी, उसको भी जगह मिलती होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। बिल्कुल। तो टोंक खास तौर से, टोंक के लिए कोई ऐसा शख्स है जिसे याद किया जाता है, या उसका अपना एक मकाम था जी, जहाँ बड़े सम्मान से इज्जत से उनको बुलाया ही जाता था, ऐसा कोई हो तो बताइए। हमारे इस टोंक के अंदर जी पुराने बहुत अच्छे कलाकार थे और लिखने वाले भी थे और आज भी हैं। कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए जो ठीक अब रहे नहीं दुनिया में, हमारे बीच है नहीं, ठीक, लेकिन जो लोग अभी मौजूद हैं वो भी अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों की यादें हमेशा ताज़ा रहती, ठीक। तो हमारे इस टोंक के अंदर यूसुफ भैया करके, यूसुफ भाई नाम था उनका। अच्छा। वो शायर भी थे और खुद गाया भी करा करते थे, बहुत अच्छे मजाहिया अंदाज में उनके तमाम शेर जितने भी होते थे जो भी लिखा उन्होंने, और उनका तखल्लुस वो था चरख। अच्छा। चरख उनका तखल्लुस था, ठीक है। तो उन्होंने ठुमरी ज़्यादा लिखी। अच्छा। ठुमरी, कमाल है। तो इस ठुमरी से पहले मैं एक दो जिनसे ज़्यादातर मैं मुतासिर हुआ और जिनसे ज़्यादा मुझे शौक लगा, वो गजल के एक दो दो शेर आपको पेश करूँगा, उसके बाद में वो ठुमरी भी आपको पेश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसके पहले शेर जो मुझे जो लोग करीब ज़्यादा पसंद आते हैं उनके लिए मैं ज़रूर पढ़ता हूँ ये। समाज फरमाए, इरशाद, जिंदगी सब को मिली हो ये ज़रूरी तो नहीं, जिंदगी सबको मिली हो ये जरूरी तो नहीं, और सबके होंठों पे हंसी हो ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी सबको मिली ये जरूरी तो नहीं, और सबके होंठों पे हंसी हो ये जरूरी तो नहीं, ऐसे कुछ लोग हैं जो याद किए जा कुछ लोग हैं जो याद किए जाते
महसूस कमी हो ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी सबको मिली हो ये जरूरी तो नहीं। तो ये कुछ बहुत अच्छी गजल है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद में हमारे टोंक के एक शायर अभी हयात है, जिंदा है, वो जाम टोंकी साहब हैं। उनका उनकी गजलें बहुत सारी हैं, मगर कुछ गजलें उनकी बहुत ही अच्छी हैं। मैं उसकी एक दो शेर उसके भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं कहूँ तो कैसे आखिर कि तेरा करम नहीं है। बहुत अच्छे। मैं कहूँ तो कैसे आखिर कि तेरा करम नहीं है, तेरा कम रहे सलामत मुझको गम नहीं है। मैं कहूँ तो कैसे आखिर के तेरा करम नहीं है, तेरा गम अजीब गम अजीब गम है, न खुला ये राज आखिर कि मैं रो रहा हूँ लेकिन मेरी आँख नम नहीं है, कि मैं रो रहा हूँ लेकिन नम नहीं है। बहुत सुंदर। अब समय की बाध्यता तो है अपने साथ, अब मैं बहुत छोटी छोटी सी दो तीन बात पूछना चाहूँगा। एक बात तो ये कि मैं चाहता हूँ कि आपके होने से पिछले 10-15-20 सालों में 25 सालों में जी जो गायकी के क्षेत्र में ऐसे लोग रहे जो जिंदगी तो गुमनाम जीते रहे लेकिन उनके नाम बड़े बड़े थे, ऐसे दो चार लोगों के नाम बताएंगे जरा। तो की दुनिया में सबसे पहले तो हालांकि बहुत कुछ उनके पास धन था इसका, कला का और बहुत ही गुणी थे और गुणी है वो। लेकिन क्या है, वो मंजर आम पर नहीं आए वो, और वो गुमनामी जिंदगी में अपने वो लुप्त हो गए। लेकिन ऐसे शख्सियतों के नाम अभी फिलहाल अभी एक तो फैयाज हुसैन खान रागी जी अभी हयात है वो। हाँ। उन्होंने भी बहुत, उनके पास बहुत गुण है और बहुत ही कलाएं हैं उनके पास, लेकिन लोग उनसे फ़ायदा मुस्तफ़ीद नहीं हो सके, फ़ायदा नहीं उठा सके, कुछ मजबूरियां होंगी उनकी। एक तो ये, एक उस्ताद मंजू मियाँ थे यहाँ साहबजदे, वो उस्ताद थे इसके शास्त्रीय संगीत का, कोई राग ऐसा नहीं था जो उनको मालूम नहीं हो या वो नहीं गाते हों। एक उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं उनके, आबिद साहब, उनका नाम भी आबिद है और आकिल कहते हैं उनको, आबिद आकिल जी, वो भी बहुत जानकार हैं। अच्छा। और गाने वाले एक, जहाँ तक मैंने सुना है, कैप्टन शमशेर साहब भी सुना। अच्छा अच्छा। मैंने उनकी भी तारीफ कभी सुना नहीं, हमारे लिए नई जानकारी। जी हाँ, मैंने सुना नहीं है मगर मैंने और लोगों से सुना है, उनके करीबी लोगों से, कैप्टन साहब बहुत अच्छा गाते हैं और लिखता भी बहुत अच्छा, ये मैंने उनको मैंने सुना है। लेकिन इत्तेफाक हुआ कि मेरी बदकिस्मती समझिए कि ऐसी महफिलों में, वो हमारी महफिलों में तो कई बार आए और वो हमें सुन के भी गए। हाँ। और बहुत उन्होंने तारीफ भी की और बहुत खुश हुए, लेकिन उनका सुनने में कभी नहीं। तो कुछ लोग हैं जो उनको मैं, एक शाद भाई हैं हमारे, वो भी शायर हैं और वो
तरन्नुम भी उनका अच्छा है, लेकिन अब क्या है वक्त का नकाज नजाकत है और उम्र का की भी तकाजा है कि अब वो इस लायक नहीं रहे, उनका गला साथ नहीं देता अच्छे अच्छे कला। आखिर मैं बस एक आपसे अभी आपने दौरान गुफ्तगू बताया था कि आपने फैयाज खान रागी साहब से आपने भी कुछ लिया था उन्होंने जो भी दिया, तो जैसा मुझे कुछ ध्यान है कि कहीं महफिलों में आपने पढ़ा है तो बहुत छोटी देहर की गजल है बस उसके एक दो हो जाएगा राग जेजे बंती में जी, तो गजल है बहुत छोटी बहर की गजल है और अच्छी है गजल। न देखने पे तवज्जो दिलाई जाती है, न देखने पे तवज्जो दिलाई जाती है, जो देखता हूँ तो बिजली गिराई जाती है, न देखने पे तुम अपनी जान के पीछे पड़े हो परवानों, तुम अपनी जान के पीछे पड़े हो परवानों, ये शम्मा रोज जलाई बुझाई जाती है, शम्मा रोज शराब कोई यूं ही लुटाई जाती है, शराब क्या कोई यूं ही लुटाई जाती है, जो इसके अहल होते हैं उनको पिलाई जाती है, जो इनके अहल होते हैं उनको पिलाई जाती है, न देखने पे। वाह सब वाह, वो यूसुफ भाई का वो रह गया जो मजाया उनका ठुमरी है, दो मिनट बेटा काट के वापस सेट कर, जो देखता हूँ तो बिजली गिराई जाती है, न देखने पे। वाह वाह, अभी साहब कमाल कर दिया आपने, और आज बहुत सारी ऐसी बातों से हमको भी और हमारे श्रोताओं को भी आपने वो सब चीज़ें सामने रख दी जो आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि खुदा की इबादत उसका रंग उससे आपने हमें परिचित कराया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज समय की बाध्यता है, फिर कभी मौका और दीजिए, मैं भी आपका आभार, जन सरोकार मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का, अपनी प्रस्तुति करने का, जो मेरे पास था नमस्कार मैंने उसके अंदर उसको पेश कर दिया, आप कबूल कीजिए, शुक्रिया शुक्रिया जदा।